अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों, मैं जो हूँ अभी अभी ये जो ऊपर लेकर आया हूँ सारा सामान, तो वो क्या है, तो वो सामान दोस्तों आप लोगों को पता है कल हमारा जो है लेट हो गया था, बाजरा दाना पानी जो लेने गए हुए थे भाई, तो ये सारा का सारा वो सामान है। खैर से यार, मेन चीज़ ये है कि आज मैं तुम लोगों को यार बताने वाला हूँ कि मैं जो हूँ, एक मिनट यार, बहुत सब्ज़ी वाले आते हैं यार, जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ ना, सब्ज़ी वाले आगे ना बहुत तंग करते हैं। खैर यार, उनकी रोज़ी रोटी है, वो अपना बेचने आते हैं, पर यार मुझे बहुत आवाज़ें आती हैं कि मैं जब वीडियो स्टार्ट करता हूँ तभी आते हैं। खैर से दोस्तों, मैं जो आज तुम लोगों को बताने वाला हूँ, मेन चीज़ ये है कि हम जो है अपने परिंदों को दाना पानी में क्या देते हैं। भाई पानी हटा दो, वो तो साफ़ पानी देते हैं, लेकिन दाने में क्या देते हैं उनको खाने को, जिससे जो है अल्हम्दुलिल्लाह यार मेरे जितने परिंदे हैं वो माशाल्लाह बहुत सेहतमंद और अच्छे हैं। तो खैर से दोस्तों, तो मैं तुम लोगों को आज इनका डाइट दिखाने वाला हूँ, पहले यार निकाल लूँ फिर बताता हूँ। तो यार दोस्तों, सबसे पहले तो भाई कैमरामैन मैं अलग से लाया हूँ, क्योंकि नाज अख्तर भाई थे दोस्तों, और फुरकान का तो मैंने बता दिया था, तो मुझे बड़ी मुश्किलों से पकड़ने पड़ते हैं भाई, नीचे से उठा के लाता हूँ फिर वीडियो बनाता हूँ। तो कैसे यार, अब मैं दिखाता चलूँ पहले, थोड़ा करीब लगेगा। ये देखिए दोस्तों, एक तो सबसे पहले मैं हम जो बताते चले इसका, बल्कि लास्ट में बताऊँगा, पहले तो हमारा मिक्स दाना आ जाता है। ये दाना नहीं है, ये जो है दोस्तों हम इनको खिलाते हैं बाजरा, मेन जो होता है ना, मैं ज़्यादातर बाजरा लाता हूँ, और इसके अंदर कुछ दालें मिलवाते हैं, जैसे कि ये देखें, एक ये दाल हो गई, और एक और कहाँ गई, ये ऑरेंज वाली दाल जो होती है, बाकी नाम आप लोगों को पता होगा, मूंग मसूर, पता नहीं कौन कौन सी दालें होती हैं, और कुछ उसके अंदर छोटे छोटे छोले भी आ जाते हैं। तो यार ये हम मिक्स करवा के अलग से बनवाते हैं बिल्कुल, तो इससे बहुत इनका फ़ायदा होता है, तमाम चीज़ें इनको मिल जाती हैं, कबूतर भी खा लेते हैं, क्योंकि कबूतर ज़्यादातर बाजरा कम खाते हैं, दाना ज़्यादा खाते हैं, तो इस वजह से। बाकी इस बार दोस्तों मैं इनके लिए यार थोड़ा बहुत दाना भी लाया हूँ अलग से, इसके अंदर मकाई भी होती है, तो ये इस बार लाया हूँ, वैसे लाता नहीं था मैं, इस बार चेक करने लाया हूँ कि खाएंगे या नहीं। और इसके अलावा दोस्तों कनकी, ये तो आप लोगों को पता है कॉकटेल की है, ये ज़्यादातर आती रहती है। मेन जो दाने वो ये है, और ये है दोस्तों, ये देखें, ये है दोस्तों काला चना, ये देखें, ये काला चना है भाई, ये काला चना जो है आप लोग दे सकते हो आराम से अपने जितने आपके जानवर हैं ना उनको, मुर्गा मुर्गियों में, ये कबूतर वगैरह में ही, मुर्गा मुर्गियों में, इसको आप पानी में भिगो के रख दें रात में, और सुबह में सबको डाल दिया करें, 8-10 दाने फी को देंगे ना, एक एक मुर्गा मुर्गी को, एक एक को 8 या 10 दाने डाल दिया करें, इनकी सेहत अच्छी हो जाती है इससे, क्योंकि चना वैसे ही बहुत ताकतवर होता है। तो ये चीज़ देता हूँ मैं इसके साथ। और अब जो बारी आती है हफ्ते में दोस्तों, मेरी जो है रूटीन वो ये है कि इन लोगों को 3 से 4 दिन में आटा खिलाता हूँ लाजमी, आटे की गोलियाँ बना लिया करें आराम से, और मुर्गा मुर्गियों को सबको दे दिया करें, इससे ये होता है दोस्तों इनका वेट जो होता है ना वो गेन होता है अच्छा खासा, और इनकी सेहत बरकरार रहती है, और जो एक जान होती है ना वो सही रहती है। बाकी हम लड़ाने वाले नहीं हैं भाई मुर्गे, आप लोगों को पता है, हम तो सिर्फ मतलब शौकीन रखने वाला हूँ ना मैं, तो मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है लड़ाने की, तो जो लड़वाते हैं भाई उसके हिसाब से भी ये डाइट बहुत अच्छी है, दे सकते हो, और वो पता नहीं क्या क्या देते हैं तो मुझे नहीं पता, बादाम पिस्ते वगैरह, मैं सिर्फ इनको ये देता हूँ, और इससे इनकी अच्छी खासी नेचुरल बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। तो बस दोस्तों यही चीज़ें थी कुछ, अब मैं खिलाना स्टार्ट करता हूँ यार, क्योंकि शाम हो गई है, तो इनको खिलाना स्टार्ट करते हैं, अब देर हो गई है। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को समझ आ गया होगा दोस्तों जो मैंने चीज़ें बताई हैं। तो भाई ये छोटी सी एक डाइट होती है जो मैं इन लोगों को देता हूँ यार, और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग इससे काफ़ी सेट और सेहतमंद तंदुरुस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास तो तकरीबन सारे के सारे। खैर से यार देर हो रही है, और आज यार दोस्तों मैं तुम लोगों को बोला था ना बारिश होगा, बता रहे हैं, देखो यार मौसम चेंज होना शुरू हो गया है, किसी वक्त भी बारिश आ सकती है, कुछ भी नहीं पता, 2 से 6-8 सितंबर तक बारिश बताई हुई है। तो खैर से हम जो है आए हैं, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, तुमने अंडा दे दिया है, हवाई अंडा दिया भाई, वैसा अंडा है ये, फर्टाइल अंडा नहीं है, तो चलो भाई निकाल लेते हैं अंदर से, ये देखें कितना सा अंडा दिया इसने, बिल्कुल हमारी जो वो है ना ब्लैक डफ ये वाली, इसके जैसा अंडा दिया इसने, छोटा सा देखें हवाई अंडा, ये खाने वाला अंडा है, चलो चलो अंदर जाओ। तो दोस्तों मैंने जो है भाई आटा बनाना स्टार्ट कर दिया है, ये देखें गोलियां वगैरह, बट यार सिर्फ ना एक प्रॉब्लम होती है जो छोटी सी नहीं काफ़ी बड़ी होती है भाई, मतलब अगर आप वीडियो बनाते हो उनके लिए बहुत होती है, ये देखो यार देख रहे हो कितना आटा चिपका हुआ है, और दूसरे हाथ की मेरी हालत देखो, ये देखो जिससे मैं मोबाइल पकड़ा हूँ, तो बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है,
इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। बाकी खैर आटा जब बना लेते हैं हम, जब खिलाने लगते हैं तो सिर्फ उस वक्त की होती है, फिर हाथ वाथ धो के फिर आप कुछ भी काम कर सकते हो। लेकिन भाई आटे के दौरान कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपकता है यार ये। खैर से भाई गोलियाँ बना ली हैं मैंने, अब थोड़ी बहुत और बना लूँ फिर इनको खिलाना शुरू करता हूँ, दिखाता हूँ कि कितने शौक से यार ये आटा खाते हैं, गोलियाँ जो होती हैं वो। तो यार दोस्तों अब जो है मैं आटा खिलाने लगा हूँ, और सबसे पहले जो है ना हम बादशाह को खोलते हैं और देखते हैं बादशाह का कितना इंटरेस्ट है आटा खाने में। आ जाओ भाई बादशाह। भाई बादशाह को आटा पसंद आ गया। तो चलिए यार दोस्तों अब जो है मैं इन दोनों को एक साथ खोल रहा हूँ और देखते हैं कि यार ये किस तरीके से खाते हैं। वैसे इनको दिख तो गया काफी देखते देखते। चलो भाई तो चलो 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 जल्दी जल्दी। तो देखिए यार दोस्तों किस तरीके से जल्दी जल्दी खा रहे हैं, सफाई करो जल्दी जल्दी जल्दी। तो दोस्तों मैंने जो है भाई आटा खिला दिया है, तकरीबन अच्छे खासों को खिला दिया है, इन दोनों को खिला दिया है, नीचे वाले को खिला दिया है, बादशाह को खिला दिया है, सुल्तान को तो भाई हम अंदर डालेंगे जैसे तैसे करके, उसको खोल नहीं सकते। बाकी एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूं कि इस तरीके से मत खिलाना भाई जैसे मैंने डाला था। ये देखें कुछ गोलियाँ पड़ी हुई हैं, वजह ये मैंने तो इसलिए डाला सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये खाते हैं या नहीं, ये अच्छे से खाते हैं। पर वो क्या, आप लोग हाथ में गोलियां बना के इनको फेंकते जाएंगे ना तो ये खाते जाएंगे, ऐसे एक साथ डाल देंगे ना मिकदार में तो ये खा नहीं पाते हो। तो मैंने वीडियो सिर्फ बनानी थी, जब ही आप लोगों को दिखा दिया वीडियो में कि किस तरीके से खाते हैं, इस वजह से मैंने ऐसे डाल के खिलाया है। बाकी दोस्तों एक और बात, जो हमारे फैंसी होते हैं ना, जैसे कि ये हो गया बफ, ये हो गए और ये हो गया सेपरेट, सेपरेट को भी मैंने दिखा दिया वीडियो में कि ये बहुत कम खा पाते हैं क्योंकि एक तो छोटे होते हैं और छोटी छोटी गोलियां दीजिएगा इनको, बड़ी नहीं ज़्यादा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बड़ी बन गई थी थोड़ी, तो इतनी इतनी सी गोलियां दीजिएगा। और ये कम आटा खाते हैं, ज़्यादातर दाना ही खाते हैं, दाने पर पलते हैं या फिर फीड खाते हैं, तो इस वजह से इनको कम रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ असील और जो हमारे पास देसी मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गियों उनको दीजिएगा ये आटा, इनको भी दे दिया करें लेकिन कम मिकदार में। तो यार दोस्तों ये देखें छोटा डॉन और उसकी वाइफ जो है कितने प्यार से खा रहे हैं आटा, ये मैं दिखाऊं, ये देखें, ये देखो यार कितने हाथ से खा रहे हैं मेरे, कैसे मज़े मज़े से। रुक जाओ मैं डालता हूँ, ये लो भाई ये लो और खा लो, ये लोग अच्छे से खाएंगे वो देखें। और ये चीज़ देखें आपके, मैं इनको ऐसे एक एक करके डाल ना तो ये खा रहे हैं, आप लोग भी ऐसे डालिएगा, ये नहीं कि पहले सारा फैला के डाल दिया और उसके बाद खिलाएं, तो ऐसे डाला करें एक एक करके ताकि खाएं तो सही। ये देखें खाइए छोटा डॉन फौरन से, ओए 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 तो छलांग मार रहा है भाई, ओ तेरी बाबा भाई बहुत तेज है यार छोटा डॉन, बहुत खतरनाक है। तो दोस्तों सबको भाई खिला पिला के मैंने फारिग कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों भाई रह गए, इन दोनों को ना मैं आटा ही खिलाऊंगा, बाकी जो एक दो रह गए थे ना यार ये रह गई थी, ये आटा इतनी शौक से नहीं खा रही थी, इस वजह से मैंने ना इसको अभी ये डाल दिया दाना, मैंने ला ये खा ले। और बाकी दोस्तों एक चीज़ और बताया चलूँ कि मैं जो हूँ ना भाई ये सारा काम दिन के टाइम करता हूँ, ये जो आटा खिलाने वाला काम है ना दिन के टाइम फुल इत्मीनान से मुतमईन होकर, और वीडियो उस वक्त नहीं बना रहा होता तो इस वजह से, तो जब मैं कभी वीडियो बनाता हूँ दिन के टाइम तो इनको दाना डाल देता हूँ। बाकी दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि वेट गेन डाइट जो मैं इनको देता हूँ अपने बड़े असीलों को वो बहुत आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय। चले यार अब मैं इनको खिलाना शुरू करूँ।